मैं आज इस वीडियो में ना आपको अपने एरिया के प्लेग्राउंड्स के बारे में बताती हूँ। हमारे एरिया में टोटल 6 बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे ना बिल्डिंग्स का ग्रुप बना हुआ है। तो हमारे जो ग्रुपिंग है ना उसमें 6 बिल्डिंग्स है और 6 बिल्डिंग्स के इसमें यहाँ पे हमारे ना कंबाइंड प्लेग्राउंड होता है बच्चों के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में वो पूरा प्लेग्राउंड कवर करने वाली हूँ। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज की जो वीडियो है वो प्लेग्राउंड्स के ऊपर होने वाली है कि हमारे सोसाइटी के प्लेग्राउंड्स कैसे हैं। तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैं उनके बारे में, प्लेग्राउंड्स के बारे में कुछ ब्रीफली बताना चाहूँगी कि मैं अपनी सोसाइटी के जो प्लेग्राउंड है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। पहला ग्राउंड है, उसको मैं नाम दूंगी एक्टिविटी ग्राउंड का। यहाँ पे जो 1.5-2.5-3 साल के जो बच्चे हैं उन यहाँ पे ना स्कूटर चलाना, साइकिल चलाना और स्टंट मारना, लटकना, कूदना, चढ़ना, पकड़ के चढ़ना, ये सब यहाँ पे सीखते हैं। दूसरे कैप का जो ग्राउंड है उसे मैं मंकी ग्राउंड का नाम देना चाहूँगी। जैसे इंडिया के बच्चे मतलब घर घर खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी के घर बनाते हैं, मतलब मिट्टी को भर के इधर से उधर गालते हैं, ऐसे यहाँ के बच्चे भी करते हैं। यहाँ के बच्चे कोई स्पेशल बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो इन बच्चों को मग से खेलने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया उनको दे रखा है और यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे इनको सामान भी प्रोवाइड कर रखी है। जो तीसरे कैप का जो ग्राउंड है उसे मैं पब्लिक ग्राउंड का नाम देना चाहूँगी। जैसे इंडिया के अंदर लोग जाते हैं पार्क में टहलने के लिए, घूमने के लिए, डॉग्स को घुमाने के लिए, ऐसे लोग इस ग्राउंड में भी आते हैं घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए, बस इंजॉय करने के लिए। सो गाइज, मैंने तीनों ग्राउंड्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब इन ग्राउंड्स को मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, मैं दिखाती हूँ यहाँ के ग्राउंड्स कैसे हैं। ठीक है, लेट्स गो। सो गाइज, हम ना रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। मैंने भी अपना ओवरकोट पहन लिया है और जूतों को भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। हमें ना बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए ना लिफ्ट से जाना पड़ता है, तो हम चलते हैं। जैसे ही हम अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो ये बिल्डिंग्स का ग्रुप हमें नज़र आता है। ये टोटल 6 बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। और इन बिल्डिंग्स के सेंटर में ये एक पार्क है जिसे मैं एक्टिविटी ग्राउंड का नाम दिया है मैंने। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं ना बंदे डेली लाइफ में, वो सारे बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक रेन शेल्टर है, यहाँ पे जैसे बारिश वगैरह आ जाती है तो बंदे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और यहाँ से बच्चों के झूले स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो झूले ना नॉर्मल झूले नहीं है, बहुत ही एडवांस में इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और प्लस जो ये ग्राउंड है ना ये बहुत अच्छा है, बोलते हैं कि जैसे एक एथलेटिक ग्राउंड बोलते हैं ना, ये वो वाला ग्राउंड है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो है ना लटकने के लिए, चढ़ने के लिए और ये जो एक्टिविटीज़ करते ना बच्चे उसके लिए स्पेशल बनाया है। और ये यहाँ पे हमारा बड़ों के लिए यहाँ पे टेबल टेनिस टेबल भी रखी हुई है कि यहाँ पे वो खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग दे रखा है, झूला। और थोड़ा सा जो एरिया है वो यहाँ पे मग का एरिया दे रखा है। किसी किसी के पास 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, कुछ मग से खेलना पसंद करते हैं, कुछ दौड़ भाग करते हैं, तो ये उनके लिए छोटी से पार्क में उन्होंने बना दिया है। जो ये स्लोपिंग साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, स्कूटर चलाते हैं और यहाँ पे स्टंट मारना सीखते हैं। साथ में स्टॉपर्स दे रखे हैं, इससे बच्चे चढ़ के ऊपर चढ़ना सीखते हैं। सो गाइज, जो मैंने आपको ये एक्टिविटी ग्राउंड दिखाया है, कहते हैं एक परफेक्ट एक्टिविटी ग्राउंड जिसमें सारी एक्टिविटी कवर्स होती हैं, ये वो ग्राउंड है। और अभी विंटर चल रही है तो यहाँ पे कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन समर में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बच्चों की। सो गाइज, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे प्लेग्राउंड पे, जो एक मगे एरिया है, मतलब बच्चों के ना खेलने के लिए, जो छोटे बच्चे मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं उनके लिए स्पेशल बनाया है और बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, हम मगी ग्राउंड में आ चुके हैं और ये जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ये लकड़ियां हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो कीचड़ कीचड़ ना हो, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सूखी लकड़ियां तोड़ तोड़ के डाल रखी है, या यू कैन से कि लकड़ियों का बुरादा डाल रखा है। और पूरा एरिया ये मग में ही है, मग में ही इनको खिलौने प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूला भी इन्होंने रखा हुआ है एक, और जो
काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे पूरा मग में कवर कर रखा है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इसको स्पेशल मगी ग्राउंड मैंने बोला था। और यहाँ पे इतने सारे जो खिलौने ये सोसाइटी वाले ही प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ लोग जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो लोग भी वो अपने पुराने खिलौनों को यहाँ पे रख के चले जाते हैं, जैसे कार हो गई, ये ट्रक वगैरह हो गई, ये सभी लोगों ने खुद रख के गए। और जैसे ये पुराना स्कूटर भी इन्होंने यहाँ पर रख दिया है बच्चों के खेलने के लिए। गाइज़ वो मैं मैगी एरिया से बाहर आ चुकी हूँ और मैं अब आपको लेके चल रही हूँ अपने एक लोकल पार्क कह सकते हो। ये जो मैं ग्राउंड आपको दिखा रही हूँ, ये जिसे मैंने पब्लिक पार्क का नाम दिया है, ये मेरी जस्ट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ये लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं गार्डनिंग करने के लिए। ये सच में बहुत बड़ा पार्क है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरा कहाँ तक जा रखा है ये पूरा पार्क। और ये बॉक्सेस में देखो इन्होंने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, इसमें खीरा टमाटर प्याज मूली ये सब उगाना नॉर्मल है यहाँ पे। गाइज़ मैं यहाँ पे ये खड़ी हूँ तो एक ये एक पब्लिक पार्क की तरह है, मतलब ये किसी भी बिल्डिंग का नहीं है और ये सारी बिल्डिंग के लोगों का ही है। मतलब यहाँ पे हर बिल्डिंग का कोई भी इंसान आके यहाँ पे टहल सकता है, गोक्सू घुमा सकता है, खेल सकता है। यहाँ पे लोग बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल वगैरह यहाँ पे आके खेलते हैं। ये बहुत बड़ा पार्क है इसलिए, और जो मैंने पहले पार्क दिखाए थे ये छोटे एरिया में बच्चों के लिए कवर थे। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जो पार्क्स है ना गिवागिक कर रखे हैं कि खेलने कूदने का अलग है। मंदिर जो मगी एरिया में बच्चे खेलते हैं उनका उन्होंने अलग बना रखा है ताकि वहाँ पे गंदगी ना फैले। प्लस जो बंदे छोटे छोटे बच्चों की एक्सरसाइज होती है जो वो कैलिंग शो करते हैं, स्टैक्स चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उनके लिए वो अलग उन्होंने बना रखा है। जैसे यहाँ पे ना अब विंटर स्टार्ट हो गई है, कैंपेज काफ़ी गाँव ने तो लोगों ने निकलना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे समर में बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे लोग सन बाथ लेने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। गाइज ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।